नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज रेडार में। पेश है हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। भीख मांगने वाली लड़की बन गई डॉक्टर। धर्मशाला की पिंकी हरियाण मैक्लोडगंज में दलाई लामा मंदिर के पास 4.5 साल की उम्र से अपनी मां के साथ भीख मांगती थी। डिप्टी शरणार्थी भिक्षु जामयांग ने इस लड़की को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। बौद्ध भिक्षु ने लड़की की चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई। चीन में MBBS की पढ़ाई करने के बाद पिंकी अब डॉक्टर बन गई है। कंगना का गांधी पर बयान, बवाल जारी। कंगना रनौत ने गांधी जयंती पर विवादित पोस्ट डाला जिससे विवाद बढ़ गया है। पंजाब BJP नेता हरजीत गिरवाल ने कंगना की सोच को नाथूराम गोडसे जैसी बताते हुए निंदा की है। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कंगना पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है और साथ ही BJP के वरिष्ठ नेताओं ने कंगना को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। शिमला में पानी की मची हाय तौबा। गिरी पेयजल परियोजना के पानी में सफेद तरल पदार्थ बहने से जिले के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। जल शक्ति विभाग ने पानी दूषित होने की सूचना पर आपूर्ति रोकने के बाद जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही तरल पदार्थ की प्रकृति स्पष्ट होगी। लोगों ने इस घटना की तत्काल जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। घर के मालिकों को जहर देकर चोरी। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल में नेपाली दंपति ने घर की मालकिन बहू और केयरटेकर को जहरीला खाना देकर बेहोश किया। दंपति ने सोने के जेवरात और कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। SHO चेतन ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक नेपाली दंपति का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस दंपति की तलाश में जुटी हुई है। तीनों पीड़ित खतरे से बाहर है और सिविल अस्पताल रोड़ू में इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी, तापमान में तेज वृद्धि। हिमाचल प्रदेश में मानसून के खत्म होते ही तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऊना, बिलासपुर और ताबो में 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान रिकॉर्ड किया गया। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों तक इस गर्मी के जारी रहने की चेतावनी दी है। 7 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। राज्य का औसतन तापमान इस समय के लिए सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है।